स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी 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 मोदी। एक बार जोरदार तालियों से अपने विश्व के लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत खड़े होकर जोरदार तालियों से करेंगे। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत करेंगे। मोदी 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 मोदी। जोरदार तालियों से, एक बार जोरदार तालियों से अपने विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से खड़े होके, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। एक बार जोरदार तालियों से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं सर्वप्रथम संयुक्त रूप से काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष, वाराणसी जिले के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी से आग्रह करूंगा कि अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह दे के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। अब मैं भारत की 130 करोड़ जनता में भारतीय होने के गर्व को जागृत करने वाले विश्व के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वागत भाषण के लिए अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी से को आमंत्रित करता हूं। माननीय अनुप्रिया पटेल जी, काशी की ये पवित्र धरती जिसने देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में एक अमूल्य धरोहर सौंपी है, एक ऐसे प्रधान सेवक जिन्होंने माँ गंगा के बुलावे पर काशी आकर पूरे देश का कायाकल्प करने में स्वयं को खपा दिया, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके विचारों की ऊंचाई और जिनके शब्दों की गहराई विपक्षियों को अक्सर निरुत्तर करने का काम करती है, ऐसे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने मन की बात करके देशवासियों की आत्मा को छूने का काम किया है, दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान के महानायक और देश के सर्वस्पर्शी संतुलित विकास को नए स्वरूप में परिभाषित करने वाले, अपने अथक परिश्रम क्षमता से युवा पीढ़ी को चकित और प्रेरित करने वाले आत्मनिर्भर भारत के जनक, युग पुरुष, प्रेरणादायी एवं विराट व्यक्तित्व के स्वामी, हम सब के चहेते माननीय प्रधानमंत्री जी और इस काशी के सांसद परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आज आप सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मेरे भाई अनिल राजभर जी, काशी क्षेत्र के अध्यक्ष भाई महेश श्रीवास्तव जी और सभी सम्माननीय विधायक गण, हम
हमारे प्रत्याशी गण, हमारे जिला अध्यक्ष गण और यहाँ पर उपस्थित ये इतना बड़ा जन सैलाब वाराणसी की यह धरती मेरे लिए भी ईश्वर के किसी वरदान से कम नहीं है। मुझे वो वक्त याद है जब अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का दुखद निधन हुआ था और अपना दल हमारी पार्टी संकट के दौर से गुजर रही थी। उस वक्त वाराणसी की जनता ने मुझे बहुत सारा अपनापन दिया, स्वीकारता दी, पहचान दी और आगे बढ़ने का साहस भी दिया। आज ये आप सबका शुभाशीष है, आपने जो मुझे पहचान दी है उसके कारण आज मैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्री परिषद की सदस्य के रूप में आपके बीच यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं वाराणसी की जनता की आजीवन ऋणी रहूंगी। आज अगर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जाने के बाद हम अपना दल का विस्तार पूरे प्रदेश में कर पाए हैं तो ये सब कुछ आपके वाराणसी की जनता के शुभ आशीष से ही संभव हुआ है। इसलिए मैं जीवन भर आपकी कर्जदार रहूंगी। मैं आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने इतने वर्षों तक जिन दलों के बारे में ये सोचा कि वो पिछड़ों के रहनुमा हैं, दलितों के रहनुमा हैं, कमजोरों के लिए हक के लिए लड़ने वाले हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत जो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें कई कई बार सौंपी, उस ताकत के बावजूद भी पिछड़ों के, दलितों के, कमजोरों के हर सवाल पर वो खामोशी रहे। उन्होंने उन सवालों के साथ कभी न्याय नहीं किया, चाहे वो नीट की परीक्षा में, MBBS और PG की एडमिशन में पिछड़ों के आरक्षण को लागू करने का विषय हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाने का विषय हो, चाहे न्यायपालिका में कमजोरों की भागीदारी का विषय हो, या नौकरियों में वंचित वर्गों के बैकलॉग को पूरा करने का विषय हो, या प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ों के जो कट ऑफ अंक की विसंगति है इसको दूर करने का विषय हो, किसी विषय के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया। लेकिन पिछड़ों का अगर सच में ख्याल किसी ने किया है, उनकी चिंता किसी ने की है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। अगर गरीब कल्याण की चिंता किसी ने की है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। अगर उत्तर प्रदेश के विकास की और देश के विकास की चिंता किसी ने की है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और इसलिए मैं आप सबसे आज आग्रह करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश का ये चुनावी संग्राम अपने अंतिम दौर पे पहुंच चुका है और चुनावी चक्रव्यूह का अब अंतिम द्वार भेदना बाकी है। आप सबने 6 चरण में EVM का बटन दबाकर NDA गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में अपने विश्वास की मोहर लगा दी है और पहले चरण से NDA के पक्ष में जो बयार बहनी शुरू हुई है, आज यहाँ 7वें चरण तक आते आते ये काशी की धरती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यह तूफान का रूप धारण कर चुके हैं। इसलिए मैं आप सबसे ज्यादा लंबी बात न कहते हुए सिर्फ इतना आग्रह करना चाहती हूँ कि 7 तारीख को हमारे NDA गठबंधन के प्रत्याशी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के चुनाव निशान कमल के सामने का बटन दबाकर अपना दल के हमारे प्रत्याशियों के चुनाव निशान कप प्लेट के सामने का बटन दबाकर आप सब इस NDA गठबंधन के माथे पर विजय श्री का तिलक लगाने का काम करेंगे। इसी अनुरोध के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साधुवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नमो बुद्धाय। जय भाजपा, जय अपना दल, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बार जोर से बोलेंगे भारत माता की। अब मैं दलित, शोषित, किसान, मजदूर, नौजवानों, माताओं, बहनों को सम्मानित कर गले लगाने वाले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि हम सब काशीवासियों का आशीर्वाद दें।
सेवापुरी रोहनिया बड़ा गांव पिंडरा हरहुआ आदि स्थान से आयल सभी भाई लोगन के प्रणाम है। हमें याद हो कि 14 के चुनाव के पहले यही खजूरी से विजय का डंका पूरे देश में आप लोग बजा रहे। यहाँ के भगवती महारानी और खजूरी हमारे हृदय में हो। आप सब लोगन का हम हृदय से अभिनंदन करत है। भाइयों और बहनों, इस चुनाव में मेरी ये आखिरी सभा है। उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। ऐसा चुनाव जब कोई सरकार अपने काम पर, अपनी ईमानदार छवि पर, भेदभाव और पक्षपात रहित विकास पर और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही हो। मुझे एक इंटरव्यू में मीडिया ने पूछा था, तब मैंने कहा था ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी चुनाव है और सबसे बड़ी बात जनता भी खुद ही बाहर निकालकर इस सरकार की वापसी का झंडा बुलंद कर रही है। कोरोना से लेकर काशी तक, बांदा से लेकर बहराइच तक डबल इंजन की सरकार की ही हुंकार एक एक नागरिक कर रहा है। पूरा यूपी बिना बटे एकजुट होकर कह रहा है आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। यूपी के लोग यूपी को गुंडागर्दी, मनचले, माफिया, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवैध कब्जे देने वाली गौर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, जो सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार का भला करे, क्या ऐसे लोगों का आप साथ देंगे क्या? जो गौर परिवारवादी है इनका साथ दोगे क्या? साथियों, ये गौर परिवारवादी की एक खास आदत है, ये जो बोलते हैं वो करते नहीं और जो नहीं बोलते वही करते हैं। अब मुझे बताइए, ये गौर परिवारवादियों ने कभी अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वो दंगे करवाएंगे? लिखा था?
लेकिन किया क्या, दंगे कराना इनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इन्होंने 5 साल दंगे ही दंगे करवाए। अवैध कब्जे और लूट खसूट इनके घोषणा पत्र में नहीं था, इनकी यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही। स्कूलों, थानों, दफ्तरों में भाई भतीजावाद, कर्मचारियों का शोषण, ये उनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इस पर इन्होंने मन से पूरी ताकत से काम किया। आज एक तरफ डबल इंजन का डबल बेनिफिट है, जिसका लाभ यूपी का हर नागरिक उठा रहा है, दूसरी तरफ घोर परिवारवादियों की कोरी घोषणाएं हैं जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। जान ले बनारस में सब गुरु के होना ही चेला, यहां तो झूठ भरे बिल्कुल नहीं चलता। इसलिए लोग कह रहे हैं जो आज यूपी की सेवा कर रहे हैं वही अपना काम जारी रखेंगे। साथियों, चिर पुरातन काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए कायाकल्प हो सकता है, ये विश्वास आज हर जगह दिखता है। मां गंगा हो, मां अन्नपूर्णा हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, दिव्यता का भव्यता और आधुनिकता से साक्षात्कार आज हर कोई अनुभव कर रहा है। पर्याप्त बिजली, बिजली के तारों का जो जाल था उस जाल से मुक्ति, पानी की किल्लत से मुक्ति, चौड़ी होती सड़कें, नए हाईवे, नए पुल, नए फ्लाईओवर, पूरा वाराणसी जिला बदलाव की राह पर है। वाराणसी के 3.25 लाख किसान परिवारों के बैंक खाते में 450 करोड़ रुपये पीएम किसान निधि के माध्यम से छोटे किसान के खाते में पहुंच गए, 450 करोड़ रुपया। इसके अलावा राइस रिसर्च सेंटर, कार्गो सेंटर और नए डेयरी प्लांट से, नए गोवर्धन प्लांट से किसान और पशुपालकों की सुविधाएं भी बढ़ी हैं। किसान की लागत कम हो, मुनाफा अधिक हो, धरती मां और मां गंगा दोनों केमिकल से मुक्त हो, ऐसी प्राकृतिक खेती गंगा किनारे हो, इस पर 10 मार्च चुनाव नतीजे के बाद तेज गति से काम किया जाएगा। आधुनिक हस्तकला संकुल, बिना गारंटी के ऋण, आधुनिक मशीनें, ये बुनकरों, हस्तशिल्पियों को नई उम्मीद दे रहे हैं। आंख के इलाज से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज, पहले मुंबई दिल्ली दौड़ना पड़ता था, आज काशी में हो रहा है भाइयों, काशी में हो रहा है। और ये इलाज भी आयुष्मान योजना की वजह से गरीबों के लिए मुफ्त है। यही तो विकास है जो आज दिखता है, और ये विकास
बिना भेदभाव सबके लिए है। वाराणसी को देखकर पूरे पूर्वांचल में विकास का विश्वास पैदा हुआ है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी का ये तीसरा दशक पूरी दुनिया के लिए नई चुनौतियां, अभूतपूर्व संकट लेकर आया है, लेकिन भारत ने तय किया है कि इस अभूतपूर्व संकट को, इन चुनौतियों को हम अवसर में बदलेंगे। ये संकल्प सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ सरकार का नहीं है, ये हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिकों का है, आप सभी का है, पूरे उत्तर प्रदेश का है, पूरे देश का है। मुझे बहुत खुशी है कि बीते 7 सालों भारत हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक क्षेत्रों में अनेक विध काम हो रहे हैं। यही संकट काल में देश की ताकत बन रहा है। जिसका जितना सामर्थ्य है वो उसको राष्ट्रहित में समर्पित कर रहा है। आज अगर भारत के विरुद्ध कोई भी गलत बात होती है तो हर नागरिक एक सुर में उठ खड़ा होता है। इसलिए आज अगर कोई पंचायत के लिए भी वोट करता है तो राष्ट्रहित को देखकर वोट करता है। वो जानता है कि देश ताकतवर रहेगा तो गांव और बिरादरी के मुद्दे भी हल हो जाएंगे। यूपी के लोगों की इसी भावना को उत्तर प्रदेश चुनाव के हर चरण में मैंने खुद अनुभव किया है। साथियों, हमारे गांवों की एक शक्ति ये भी है कि जब संकट आता है तो हर कोई गीले सिकवे भुलाकर एकजुट हो जाता है। लेकिन देश के सामने कोई चुनौती आती है तो एक गौर परिवारवादी इसमें भी राजनीतिक हित ढूंढते रहते हैं। भारत की सेना, भारत के लोग अगर संकट से लड़ते हैं तो ये उस संकट को और गंभीर बनाने के लिए, उसमें जो भी परेशानियां पैदा कर सकते हैं पूरी ताकत से करते रहते हैं। ये हमने कोरोना के दौरान भी देखा और आज यूक्रेन संकट के दौरान भी हम यही अनुभव कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, अंध विरोध, निरंतर विरोध, घोर निराशा, नकारात्मकता, यही इनकी राजनीतिक विचारधारा बन चुकी है। वरना देखिए, भारत 2 साल से 80 करोड़ से अधिक गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मेरे इन परिवारजनों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहा है। पूरी दुनिया हैरान है इतना बड़ा काम, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा गरीब खुश है, मेरी गरीब मां मुझे आशीर्वाद दे रही है। इतना बड़ा कोरोना काल, अर्थव्यवस्था चरमरा जाना, दुनिया भर में संकट, गरीब परिवार की कौन सुनेगा? भाइयों बहनों, देश के खजाने पर कितना ही बोझ क्यों ना आ जाए, लाखों करोड़ रुपए क्यों ना खर्च हो जाए, लेकिन मैंने तय किया था गरीब के घर में चूल्हा जलता रहना चाहिए। गरीब मां का बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए। और इसलिए 2 साल से
हिंदुस्तान में आजादी के बाद कभी भी ऐसी सेवा नहीं हुई है जो सेवा करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, ये गौर परिवारवादी देश के इस सामर्थ्य को भी कमतर करने में जुटे हैं। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा समृद्ध से समृद्ध देश 100% कोरोना टीकाकरण मुफ्त टीकाकरण के नजदीक भी नहीं पहुंचा है। कई देशों में टीकाकरण के विरोध में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। भारत का हर नागरिक शांति से मुफ्त टीका लगा रहा है। भाइयों बहनों, जरा हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, आपका टीका लगा है? आप सबका टीका लगा है? अच्छा मुझे बताइए, दुनिया में तो टीके लगाने के लिए हजारों रुपया खर्च होता है, आपको कोई खर्चा हुआ है क्या? टीका लगाने का कोई खर्चा हुआ है क्या? आपको एक पैसा भी देना पड़ा है क्या? आपके जेब से एक रुपया निकालना पड़ा है क्या? भाइयों बहनों, 130 करोड़ से अधिक भारतीयों के गौरव कान के लिए भी ये लोग गौर परिवारवादी राजनीति के रंग में रंगे लोग राष्ट्र नीति को न कभी समझ पाए हैं न पचा पाए हैं। इतना बड़ा काम, 130 करोड़ देशवासियों का इतना बड़ा सहयोग, टीकाकरण अभियान पूरी दुनिया में अद्भुत चला हो, लेकिन उनके मुंह से एक सही शब्द निकला है क्या? एक अच्छी बात निकली है क्या? अरे इसमें भाजपा कहां थी? ये तो सीधा सीधा गरीब के बच्चों को बचाने का काम था, क्या उसमें भी तुम्हें तकलीफ हो रही थी? भाइयों बहनों, इन गौर परिवारवादियों की सोच यही है कि जो देश के लिए अच्छा हो उसे वो पसंद ही नहीं करते। साथियों, हमने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए। इससे फायदा गांव की गरीब दलित पिछड़े परिवार की बहनों को सबसे अधिक हुआ। अब मुझे बताइए, और मैं तो उत्तर प्रदेश की माताओं का आभार मानूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मां बहनों ने मुझे कहा कि शौचालय नहीं, ये तो इज्जत घर है, इज्जत घर। ये महलों में रहने वालों को पता नहीं है दोस्तों, अगर घर में शौचालय नहीं है तो एक गरीब मां को कितनी तकलीफ उठाती है उनको पता नहीं है। एक तरफ समाज और इज्जत की मर्यादाओं में जीने का संस्कार और दूसरी तरफ मुसीबत। हमारे गांवों में, शहरों में भी हमारी गरीब माताओं बहनों को अगर शौचालय जाना है, शौच के लिए जाना है, तो सूरज उगने से पहले जल्दी जाने के लिए सोचती है, या तो दिन भर पीड़ा झेलती है और जब तक शाम को सूरज ढलता नहीं वो शौच के लिए नहीं जाती है। आप कल्पना कर सकते हो उस मां को पीड़ा कितनी होती होगी, उस मां को तकलीफ कितनी होती होगी। क्या इस मां की तकलीफ दूर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ऐसी मां की तकलीफ दूर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, आज गरीब के घर में भी शौचालय बनाने का काम हमने पूरे देश भर में चलाया। अब स्वच्छता बढ़ती है तो फायदा किसको होता है भाई? सबसे स्वच्छता बढ़ती है तो गांव में बीमारियां कम होती हैं, बीमारियां कम होती है तो गरीब का बच्चा बीमार होने से बचता है, गरीब का पैसा बचता है। पूरी दुनिया ने
स्वच्छता अभियान के लिए भारत की तारीफ की, लेकिन आपने कभी भी इन गौर परिवारवादियों से एक बार भी सुना है कि हाँ स्वच्छता करनी चाहिए? सुना है क्या? सुना है क्या? अब मुझे बताइए, वो स्वच्छता की बात बता देते हैं तो उनकी राजनीति में क्या खोट पड़ जाती? जो समाज के लिए अच्छा है वो उनको मंजूर नहीं है। मोदी आज आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, यानी भारत में बने सामान को अपनाने की बात कर रहा है, जिसे बनाने में मेरे देश के लोगों का पसीना लगा हो उसी को मैं अपने सर माथे पर लगाता हूं। अगर ये बात करता हूं तो भी वो उसका मखौल उड़ाते, मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे बताइए भाइयों, बनारसी साड़ियां, उसका मैं गुणगान करूं कि न करूं? उसका गुणगान करूं कि न करूं? हिंदुस्तान के हर कोने में बनारसी साड़ी बिक जाए तो बनारस के साड़ी बनाने वालों को फायदा होगा कि नहीं होगा? मेरा बनारसी लंगड़ा आम, मैं जहां जाऊं जाऊं मैं बनारसी लंगड़ा आम के गीत गाऊं तो भैया हमारा बनारसी लंगड़ा आम हिंदुस्तान में बिकेगा कि नहीं बिकेगा? मेरे किसान को फायदा होगा कि नहीं होगा? आप बनारसी खिलौने, हमारे गरीब परिवार खिलौने बनाते हैं, अगर मैं चारों तरफ कहूं कि मेरे देश में बने खिलौने खरीदने चाहिए, मेरे बच्चों के हाथ में मेरे देश में बने हुए खिलौने होने चाहिए, तो फायदा किसको होगा? खिलौना बनवाने वाले गरीब लोगों को, मेरे बनारस के लोगों को, मेरे किसानों को, मेरे बुनकरों को, हस्तशिल्पियों को, विश्वकर्मा साथियों को, और इससे उनका आय बढ़ेगा। तो ये अच्छा काम है कि नहीं भैया? मुझे बताइए, काम अच्छा है कि नहीं है? ये हर किसी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसमें कोई राजनीति है क्या? इसमें भी उनको तकलीफ है। एक बार भी ये जो हमारे विरोधी लोग हैं, एक बार भी उनसे सुना कि भाई अपने देश में बनी हुई चीजें खरीदो, अपने देश में बनी हुई चीजों का उपयोग करो, हमारे देश की चीजों को बढ़ावा दो, एक बार भी सुना क्या? अगर ये आपके मित्र होते, ये आपका भला चाहते, तो आप जो चीजें पैदा करते उसको बेचने के लिए बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन उनके मुंह पे ताला लग गया है भाइयों बहनों, उनको तो यही लग रहा है कि जो काम मोदी करे बस गौर परिवारवादी वोकल फॉर लोकल से भी चिढ़ते हैं। पूरी दुनिया में आज योग और आयुष की धूम मची है, लेकिन ये घोर परिवारवादी योग का नाम लेने से भी बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर योग की बात करेंगे हिंदुस्तान के लोगों की तबीयत ठीक होगी, उनका शरीर फिटनेस अच्छी होगी, तो ये तो मोदी का गीत गाएंगे, मोदी का गौरवगान करेंगे, इसलिए योग का भी विरोध। साथियों, कांग्रेस ने इससे भी आगे खादी, जो कांग्रेस की एक जमाने में पहचान हुआ करती थी, खादी का कुर्ता पहना मतलब लोग उसको नेताजी मानकर उसके घर में चक्कर काटते थे, खादी से जितना राजनीतिक फायदा उठाना चाहिए उन्होंने उठाया। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग खादी को भूल गए, खादी को छोड़ दिया, जो खादी गरीब माताओं बहनों को रोजी देती है, जो खादी गांव के अंदर रोजगार देती है, लेकिन मोदी ने उस खादी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने का काम किया, तो उनको खादी बोलने में ही दिक्कत हो रही है। मैं अगर सिर्फ अपने इस बनारस मंडल की बात करूं ना, सिर्फ यहां की, आपको आनंद होगा भाइयों काम कैसे होता है। हमारे इस बनारस मंडल की बात करूं तो यहां 5 साल पहले, मैं सिर्फ यहीं की बात कर रहा हूं, 5 साल पहले करीब करीब
90 करोड़ रुपए की खादी की बिक्री होती थी एक साल में, 90 करोड़ की। आज 170 करोड़ रुपए से ज्यादा ये खादी हमारे इस मंडल में बनती है, बिकती है। अब गरीब को रोजगार मिला कि नहीं मिला भाई? गरीब के घर में पैसा गया कि नहीं गया? पूरे देश में ही खादी से जुड़े लोगों की आय बढ़ी है, लेकिन इन गौर परिवारवादियों ने इससे भी अपना मुंह फेर लिया है। भाइयों और बहनों, इस साल देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मुझे बताइए भाई, आपके परिवार में आपके माताजी का जन्मदिन हो, पिताजी का जन्मदिन हो, या बहू का जन्मदिन हो, या बेटे बेटी का जन्मदिन हो, तो घर के सब लोग उस जन्मदिन को खुशी मनाते कि नहीं मनाते हैं? मनाते कि नहीं मनाते हैं? मनाते कि नहीं मनाते हैं? वो पूरे परिवार का उत्सव बन जाता है कि नहीं बन जाता है? अब भारत की आजादी, हमारे आजादी के सेनानियों ने इतना बड़ा त्याग, तपस्या की, बलिदान दिए, उस आजादी को 75 साल हुए, ये सब हिंदुस्तानी को गौरव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आजादी के अमृत महोत्सव का गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप हैरान हो जाएंगे, इनका दिल में मोदी के प्रति इतना विरोध भरा पड़ा है कि उनके मुंह से ये आजादी के अमृत महोत्सव का आनंद और भागीदारी करने से भी कतराते हैं। भाइयों बहनों, ये न देश का भला कर सकते हैं, न आपका भला कर सकते हैं। जिनकी सोच इतनी संकीर्ण हो, जिनकी राजनीति इतनी स्वार्थी हो, जो सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए जीते हैं, वो गरीब, दलित, पिछड़े परिवारों के हित के बारे में सोच ही नहीं सकते। इसलिए 6 चरणों में इनको यूपी की जनता ने नकारा, और अब 7वें चरण में आपको इनका हिसाब पूरा करना है। सबका साथ सबका विकास भाजपा के लिए सिर्फ एक नारा भर नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। इससे सरकार के लाभ हर लाभार्थी तक बिना पक्षपात, बिना भेदभाव पहुंचाने की प्रामाणिकता तो है ही। इसमें हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर बिरादरी को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का संकल्प भी है। सबका प्रयास से राष्ट्र विकास की ये भावना पार्टी और सरकार दोनों में दिखती है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, पार्टी से लेकर मंत्रिमंडल तक, महिलाओं, दलितों, पिछड़े, आदिवासी समाज की भागीदारी आज अभूतपूर्व स्तर है। 10 मार्च के बाद ये भागीदारी और सशक्त होगी, ये मैं आपको वादा करने आया हूं। गरीब को पक्के घर देने का अभियान और तेज होगा। 10 मार्च के बाद गरीब को गैस कनेक्शन का अभियान और तेज होगा। 10 मार्च के बाद रोजगार देने का अभियान, सरकार में नौकरी देने का अभियान और तेज होगा। 10 मार्च के बाद नई सड़कों का, नए हाईवे एक्सप्रेसवे का, नए रेल रूट का काम और तेज किया जाएगा। और जो ये मुट्ठी भर अपराधी माफिया फिर बाहर निकलने के लिए सपने देख रहे हैं, मुंडी दिखाना शुरू किया है, कानून उनका हिसाब भी चुकता करे, ये काम भी तेज किया जाएगा। भाई, विशेष रूप से मैं बहन बेटियों से कहूंगा, खास करके मेरी बहन बेटियों से मैं कहूंगा, आपका यह आशीर्वाद ही मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज हिंदुस्तान के हर कोने में, इस चुनाव में भी मैं जहां जहां गया हूं, माताओं बहनों ने जो मुझे आशीर्वाद दिए हैं,
एक प्रकार से माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच बनी हुई हैं। माताएं बहनें आज जिस प्रकार से सारे बंधनों से ऊपर उठ करके देश के लिए अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए आज जो मेरा साथ दे रही है ना माताएं बहनें, मैं आपका एडवांस में धन्यवाद करने आया हूं। मैं एडवांस में धन्यवाद करने आया हूं। भाइयों बहनों, हमारी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा पहले भी डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी और आगे भी रहेगी। इसलिए मेरी माताओं बहनों को मैं आग्रह करूंगा, निकल पड़िए, अभी दो दिन आपके पास है, निकल पड़िए मेरी माताएं बहनें, सारा निर्णय आप करवा दीजिए। देखिए मेरी बहन बेटियों की इज्जत, मेरी मां बहनों की इज्जत, मेरी बहन बेटियों की सुरक्षा, इसके लिए हम पूरी जिंदगी खपा देते कि नहीं खपा देते हैं। और इसलिए माताओं बहनों, आज मैं आपके पास, मैं कल काशी में जनता जनार्दन के दर्शन के लिए निकला था, मेरा सौभाग्य था, मैंने कल वो जो दृश्य देखा है, राजनीतिक रैलियां तो बहुत देखी है, लेकिन जो कल बनारस में जनता जनार्दन के लिए दर्शन के लिए निकला था, बच्चे हो बूढ़े हो, गरीब हो अमीर हो, हर कोई जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रहा था, भाइयों बहनों जिंदगी में इससे बड़ी कमाई क्या होती है, इससे बड़ी पुण्याई क्या होती है। और माताएं बहनें, कल मैं कहता हूं रोड शो में मेरी माताएं बहनें जब बढ़ चढ़ करके आई थी, ये बात इस बात का सबूत है कि इस बार उत्तर प्रदेश का भविष्य भी मेरी माताएं बहनें फैसला करने जा रही है। आप सबसे मेरा आग्रह है, आपको भाजपा को, अपना दल को, निषाद पार्टी को भारी मतों से जिताना है। और भाइयों बहनों, अपना दल के लिए वोट मांगने का मेरा भी हक बनता है। अनुप्रिया जी को तो मैं बाद में मिला, उनका परिचय तो मेरा बाद में हुआ, मेरा परिचय सोनेलाल जी से रहा हुआ है। और सोनेलाल जी की गरीबों की भलाई के लिए जो जिद थी उनके मन में, कभी समझौता नहीं करते थे जी, और गरीबों का शोषण करने वालों का वो कभी साथ नहीं दे सकते थे। वो सोनेलाल जी के सपनों को पूरा करने का आज हमारे पास अवसर आया है, इसलिए अपना दल के लिए भी वोट मांगने का मुझे हक है। भाइयों, निषाद पार्टी, अगर हमारे निषाद समाज के लोग, उनके जीवन में बदलाव आएगा, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो गरीबी अपने आप जाना शुरू हो जाएगी। मेरे छोटे किसान, उनकी जिंदगी बदलेगी तो मेरे गांव की जीवन बदल जाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। इसलिए मैं कहने आया हूं, भाजपा का कमल हो, अपना दल का कपलेट हो, या निषाद पार्टी की भोजन भरी थाली हो, मैं आपसे यही कहने आया हूं, पहले मतदान फिर दूसरा काम। भाइयों बहनों, मेरे लोकसभा के चुनाव में भी आप लोगों ने इतनी बड़ी रैली नहीं की थी, आज इतनी बड़ी रैली की है, इतनी बड़ी रैली, मैं सचमुच में आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब इतनी बड़ी रैली हो गई, आज 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, तो आप घर जाके सो जाओगे क्या? सो जाओगे क्या? अब तो हो गया, अब तो हो गया, जीत गए, ऐसा करोगे क्या? ऐसा मत करना। जब तक मतदान पूरा नहीं होता है, हमें घर घर जाना है। जाएंगे,
घर घर जाएंगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, घर घर जाएंगे? सब लोग जाएंगे? अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे, जरा सब लोग हाथ ऊपर करके बताएं तो मैं बोलूं, मेरा एक काम करेंगे, हमारे क्षेत्र में हर घर पर जाके कहना मोदी जी आए थे, मोदी जी ने अपना प्रणाम आपको पहुंचाया है और आपके आशीर्वाद की कामना की है। पहुंचा दोगे? पहुंचा दोगे? घर घर जाकर के मेरे प्रणाम पहुंचाओगे? भाइयों बहनों, ये प्रणाम पहुंचाओगे ना तो मन से वो मुझे आशीर्वाद देंगे, और उनके आशीर्वाद मेरे लिए एक नई ऊर्जा बन जाते हैं। गरीब, पीड़ित, दलित, शोषित, पिछड़ों के लिए मेहनत करने की मुझे और हिम्मत मिलती है और ताकत मिलती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हर घर जाना, मेरे प्रणाम पहुंचाना, और मतदान के दिन एनडीए के सभी साथियों को जिताने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान कराइए। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं पूरे उत्तर प्रदेश को, खास करके उत्तर प्रदेश के सरकार के अधिकारियों को, पुलिस विभाग के लोगों को, आज मेरी इस चुनाव की आखिरी सभा में उन सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान करवाया। मैं इलेक्शन कमीशन का अभिनंदन करता हूं कि 6 चरण में इतना शांतिपूर्ण और इतना शानदार मतदान का प्रबंध किया। इसके लिए उनको मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उनकी इस व्यवस्था शक्ति के कारण लोगों का लोकतंत्र प्रति विश्वास बढ़ता जाता है, तो इस काम के लिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। इस पूरे चुनाव अभियान के दरमियान आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के साथियों की जो चिंता की है, हमें जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से जहां हम नहीं पहुंच पाए वहां जनता जनार्दन पहुंच गई है, इसलिए आज इस आखिरी चुनावी सभा में मैं देश में इन 5 राज्यों के मतदाताओं का भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। और 10 तारीख को, इस बार 10 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो रंगों वाली होली उसी दिन शुरू हो जाने वाली है। उस रंगों वाली होली मनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। भगवान है चोला जी।